पंडित समरजीत नाम है, मैं अध्याय कर रहे वाला 2006 में महामंत्री के पद पर हमें हमारे छात्र भाई हमको मनोनीत 2007 से हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बचा, आज ही नहीं है पार्टी को हराया गया। भाजपा जनता को चूतिया बनाने का काम कर रही है और नगर निगम के चुनाव में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होने जा रही है। रोजी रोटी छीनी गई, चारों तरफ चपरचट कर दिया गया है। हमारा हमेशा समाजवादी रथ आपको रोड पे मिलेगा। 2024 में तो बीजेपी पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। जब तक इस धरती पे है तब तक समाजवादी झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। कहा जाता है राजनीति के कई रंग होते हैं। राजनीति में जहाँ पर हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जाता है वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साइकिल से और ट्रिसाइकिल से भी अपनी पार्टी का झंडा लेकर प्रचार करते हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक समाजवादी पार्टी नेता से मिलाएंगे जो पूरा दिन अपनी ट्राईसाइकिल से जो कि सपा के रंग में रंगी हुई है और समाजवादी का झंडा लगाकर पूरे दिन समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं। आज हम इनसे आए और सपा कार्यालय के बाहर ही हमें मिले तो हम इनसे बात करने लगे तो पता चला, हालांकि उन्होंने खुद नहीं बताया, इनके जानने वाले में थे उन्होंने बताया कि आप चुनाव जीत चुके हैं 1996 में साकेत महाविद्यालय के महामंत्री पद का भी चुनाव जीत चुके हैं और अब 2-3 दशक से समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं। हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हम पंडित समरजीत नाम है, मैं अध्याय का रहने वाला। अयोध्या के आप रहने वाले हैं? आप साकेत महाविद्यालय में पढ़े हुए? जी, हम साकेत महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उसी पीरियड में हमने छात्र राजनीति भी किया और 2006 में महामंत्री के पद पर हमें हमारे छात्र भाई हमको मनोनीत करने 2006 में महामंत्री के पद पर? हाँ, 2006 में हम महामंत्री बने। आप 1996 बताए? नहीं, 2006 में हम वहाँ महामंत्री पद जीते, उसके बाद छात्रों के लिए हमने पूरा काम किया। समाजवादी पार्टी से आप कब से जुड़े? 2007 से हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, समाजवादी विचारों को लेकर तब से हम समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे। कैसे जुड़ना हुआ समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो समाज के गरीब तबके लोगों की एक पार्टी है जो उनके लिए सदैव संघर्ष और उनके विकास के लिए सदैव काम करती है। कैसे जुड़े आप? कोई वाक्य रहा होगा या तो आप किसने जुड़वाया था आपको पार्टी? नहीं, हमें किसी ने नहीं, हम उस समय विधानसभा चुनाव था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अयोध्या गए हुए थे और हाँ यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया गए हुए थे, दौरा चल रहा था, चुनाव था। समय अध्यक्ष तो मुलायम सिंह यादव? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह थे और उस माननीय अखिलेश भैया जी के से प्रभावित होकर कुल मिला के हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की उस समय। तब से आप ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, कितना दूर दूर जाते हैं? उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बचा है। गाजियाबाद तक किए हैं प्रचार? अब आपको बता दें, जो अगर हम सहारनपुर चले गए तो उससे दूरी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जिले की नहीं है। हम सहारनपुर, मेरठ, इधर गाजियाबाद, फिर आ जाइए इधर इलाहाबाद, मिर्जापुर, फिर बनारस, फिर आपका आजमगढ़, बलिया। कैसे खर्चा चलता है आपका? इसमें आपका भी खर्चा है, गाड़ी का भी खर्चा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदैव आशीर्वाद रहता है और सहयोग, और सबसे बड़ा पार्टी से मिलता है आपको खर्चा? पार्टी भी मदद करने का काम करती, सबसे बड़ा तो हमारी जनता है, हमारे समाजवादी लोग हैं। हम जिस भी एरिया में जाते हैं वहाँ के लोग रहना खाना तेल पानी सारी सुविधा हमें मुहैया कराने का काम करते हैं और हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अलग अलग एरिया में जाके गरीब लोगों के बीच में जाके समाजवादी। अभी आपने जब से पार्टी ज्वाइन करी तब से 2012 के अलावा और जितने भी चुनाव हुए समाजवादी पार्टी है, कैसे आप? देखिए, हारी नहीं है पार्टी को हराया गया है, क्योंकि आज हम आप मीडिया वाले आपको बता दें कि रामपुर में चुनाव हो रहा था लेकिन आपने रामपुर की घटना दिखाने का काम नहीं किए और जबरदस्ती प्रशासन के बल पर विधानसभा लोकसभा आम चुनाव की बात करिए आप, उपचुनाव उपचुनाव में भी बढ़िया सीट हमारी पार्टी, आम चुनाव मतलब विधानसभा ये जो चल नगर निगम वाला विधानसभा लोकसभा जितने भी 5-6 चुनाव हुए। हाँ, तो 5-6 कहाँ, 2 चुनाव हुआ,
2007 चुनाव हुआ, 2014 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 22 हुआ। नहीं तो पहले सुनिए, हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से जनता को बीजेपी ने गुमराह किया है और गुमराह करने का काम किया, लेकिन आज की डेट में जनता यह जान गई है कि केवल भाजपा जनता को चूतिया बनाने का काम कर रही है और इन जनता को छोटा जानवर दे दिया। चले दिन भाई साण रखा। निकाय चुनाव आ रहा है, कैसे इसमें किसकी जीत होगी, सपा की भाजपा? देखिए हम तो वही कहेंगे कि नगर निगम के चुनाव में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होने जा रही है। जिस तरीके से लोगों की नगर निगम के अंतर्गत रोजी रोटी कमा रहे थे, उनकी रोजी रोटी छीनी गई, चारों तरफ चपरचट कर दिया गया है। अब जनता कहीं सड़क के किनारे रोजी रोटी नहीं कमा सकता और इसी को लेकर जनता में बहुत बड़ा भड़ास है और वह 2000 इसी चुनाव में जल्द चुनाव होने वाला है, इसी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। अच्छा ये बताइए, आपसे एक सवाल लेने जी, 2012 से और 17 तक सत्ता थी और बाकी आप विपक्ष, जब सत्ता थी तब भी आप ऐसे प्रचार करते थे कि घर में बैठ के मौज करते थे? नहीं, हमारा हमेशा समाजवादी रथ आपको रोड पे मिलेगा। सत्ता थी तब भी आप प्रचार? हाँ, तब भी हमारा बराबर आपको मिलेगा। मिले हैं आपसे कभी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार हमसे मिल चुके हैं और वो अपने ट्विटर हैंडल से कई बार हमारी फोटो भी वायरल कर चुके हैं। क्या कहते हैं अखिलेश जी आप? भैया हमारे हमसे खुश रहते, हमारी मेहनत से खुश रहते हैं और सदैव कहते हैं जब भी सत्ता आएगी तो सबसे पहला सम्मान आपको दिया जाएगा। और 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में तो बीजेपी पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर हावी हो गए हैं और विपक्ष को जीने नहीं दे रहे हैं और जनता की आवाज़ को अब दबाने का काम किया जा रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा रहा। प्रचार करेंगे सपा का? समाजवादी पार्टी में सदैव हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। कब तक करेंगे? अरे जब तक जिंदगी रहेगी, उससे ज्यादा कौन करेगा। जब तक इस धरती पे है तब तक समाजवादी झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। आपने देखा है ये समरजीत हैं जो कि विकलांग हैं और ट्राई साइकिल से चलते हैं, लेकिन ट्राई साइकिल से समाजवादी पार्टी का प्रचार करते रहते हैं। इनका कहना है कि 2007 से लगातार इनकी साइकिल चल रही है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, सहारनपुर तक कोई कोना नहीं बचा जहाँ इनकी साइकिल और सपा का झंडा ना गया हो। का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव इनकी मदद करते रहते हैं और अखिलेश यादव ने इनसे वादा किया है कि जब भी सत्ता आएगी तो इनको किसी न किसी पद से सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन मलिक इमरान के साथ मैं रमन मिश्रा, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।